उद्योगपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला रिलायंस समूह कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड के खिलाफ दर्ज मानहानि का मुकदमा वापस लेने जा रहा है रिलायंस ने कांग्रेस और हेराल्ड के खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में ये मुकदमा किया था अनिल अंबानी ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं और नेशनल हेराल्ड के संपादक जफर आगा और लेख लिखने वाले विश्व दीपक के खिलाफ पाँच करोड़ रूपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था अब रिलायंस के वकील रशेश पारिक ने कहा है कि वो मुकदमा वापस लेने जा रहे हैं इस बारे में नेशनल हेराल्ड के वकील पी एस चंपा नेरी को बता दिया गया है इन कंपनियों ने दावा किया कि समाचार पत्र ने राफेल विमान करार को लेकर फर्जी और अपमानजनक लेख प्रकाशित किए थे रिलायंस डिफेंस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एडिटर इंचार्ज जफर आगा और लेख के लेखक विश्वदीपक के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा पिछले साल छब्बीस अगस्त को दायर कराया था ये कंपनियाँ अनिल अंबानी के रिलायंस समूह का हिस्सा हैं